उत्तरकाशी के सभी क्षेत्रों में रामलीला का आयोजन लगातार देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में 14 साल बाद उत्तरकाशी भटवाड़ी क्षेत्र के मनेरी लॉन थ्रू गांव में भी रामलीला का मंचन किया जा रहा है। वहीं इसी क्रम में रामलीला मंचन में भगवान राम के वनवास की झांकी लोगों को भावुक बना रही है। सती रामलीला समिति अध्यक्ष सुनील नौटिया ने कहा कि पूरे उत्तराखंड में बाणासुर रामलीला समिति सिर्फ एकमात्र ऐसी रामलीला मंच देने का पहला कला संगम के रूप में उभरा था। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे यहाँ 14 साल बाद अभी रामलीला का आयोजन शुरू हुआ है, तो भगवान बाणेश्वर की असीम कृपा से और हमारे वरिष्ठ लोगों के, बुजुर्ग लोगों के आशीर्वाद से जो है इस बार भी हम लोगों का मंचन करने का जो है अवसर मिला है। हम ये चाहेंगे कि ये अवसर हम लोगों को बार बार मिलना चाहिए और हमारे आने वाली पीढ़ी जो है हम लोगों से कुछ सीखे। मैं तो सबसे पहले आभार प्रकट करता हूँ अपने नवयुवक मंगल दल का और अपने समस्त पात्रों का कि इन्होंने इतनी प्रेरणा देने के बाद, मैंने खुद आर्मी में 18 साल सर्विस की है, तो जब मैं अपने गांव में आया तो मैंने देखा यहाँ पे जो है हमारी एक नृत्य नाटिका हुआ करती थी बाणासुर कला संगम के नाम से, जिसमें मैंने स्वयं 99 और 2000 में खुद उसमें प्रोग्राम दिया था। तो मैंने देखा, मैंने फिर अपने सारे नवयुवक मंगल दल के भाइयों को जोड़ा और उन्हें इस कार्य के करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दिया, तो सभी लोग जो बिल्कुल तैयार हो गए और मैं सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया। और मैं बार बार भगवान श्री राम से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारा जो छोटा सा गांव है फले फूले और भगवान राम की कृपा इस पर हमेशा बनी रहे। देखिए, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा और मेरे मन में बार बार यही जिज्ञासा होती है कि जो आज की आने वाली पीढ़ी है वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर ज्यादा भाग रही है और अपनी संस्कृति को छोड़ करके हमारे इस गांव का नाम पूर्व काल में हमारे जो पिताजी दादाजी उन्होंने उस समय उत्तरकाशी में बहुत कम मंचन किया जाता था और बाणेश्वर कला संगम के नाम से एक बहुत बड़ी नृत्य नाटिका थी और भगवान बाणेश्वर नृत्य नाटिका उस समय अल्मोड़ा तक गई और अल्मोड़ा से बहुत 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 पुरस्कार के रूप में बहुत सारे, तो उस समय पैसे कम मिलते थे लेकिन